चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तमाम मुद्दों पर मीडिया से बात की। तो आपको बता दें कि इस दौरान सारंग ने इंदौर में जूडा की हड़ताल को लेकर भी कहा कि उनके बातचीत जारी है और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। इसके साथ ही विश्वास सारंग ने कमलनाथ द्वारा ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश में न्योता देने को लेकर कहा कि कांग्रेस बातें करते हैं गांधी की और हिंसा फैलाने वाली ममता का समर्थन करते हैं, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कोविड केयर सेंटर के 70% खाली होने पर सारंग ने कहा कि हमारा लक्ष्य यही था कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, यदि उनको लगता है कि अपने घर से बाहर जाकर बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश के हर शहर में ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर तो ये प्लांट शुरू भी हो गए हैं। देखिए, मुझे लगता है इस समय जिस प्रकार का संकट है, वैसे बातचीत कर रहे हैं, अभी कोई हड़ताल जैसी स्थिति नहीं है, पर सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जिस प्रकार से बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ प्रताड़ना की है, इससे ज्यादा घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। और उसका समर्थन कमलनाथ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी को, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। एक तरफ बातें करते हैं गांधी की और दूसरी तरफ हिंसा करने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं। सरकार ने पूरा स्पष्ट किया है, हमने पहले से ही कहा हुआ है, हमारे हफ्ते में समय और दिन नियत है किस किस दिन वैक्सीनेशन होगा। जो बीच के दिन छोड़े गए हैं वो बाकी वैक्सीनेशन है, जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है उसके लिए छोड़े गए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पल्स पोलियो का होना चाहिए, बाकी जो मीजल्स और इस सब के जो वैक्सीन लगते हैं, इन सब के लिए बाकी दिन छोड़े गए। क्योंकि यदि पूरे समय यही होगा तो जो बच्चे नौनिहाल जिनको वैक्सीन लगाना है वो छूट जाएगा। इसलिए कांग्रेस को तो केवल और केवल बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के इल्ज़ाम लगाने की आदत हो गई है, क्योंकि उन्हें मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है। कांग्रेस के नेता आगे आकर तो बताएं कि उन्होंने इस कोरोना काल में जनता के लिए किया क्या। केवल छींटाकशी करना, केवल राजनीति करना, केवल मौतों की और लाशों पर राजनीति करना, इससे घृणित कार्य कुछ हो नहीं सकता। जो ऑक्सीजन की आपूर्ति का मामला है, तो पूरे प्रदेश में हर जिले में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के ऑर्डर हो चुके हैं, बहुत जगह ये बनकर लगभग तैयार होने वाला है। और पूरे जगह हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम इस बात को स्थापित करें कि आगे यदि तीसरी वेव आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें।